पता नहीं यार क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है। क्या बोला तूने? मतलब जिस भी टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो चीजें गेम के अंदर हो जा रही है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमने बात करी पिछली दो वीडियोस के अंदर कि भाई ओल्ड फ्री फायर को वापस लेके आओ, भाई क्या चीजों की जरूरत है गेम के अंदर, क्या चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, कैरेक्टर्स को कैसे बैलेंस करना चाहिए। और जब पैच नोट आया था तभी मैंने बोल दिया था भाई कुछ कैरेक्टर्स को अभी बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे डिमिट्री, सोनिया, ऑरेंज और गरीना। फ्री फायर ने उस चीज को सुन लिया है फाइनली। जो लोग कह रहे हैं भाई रिमूव सोनिया, शायद रिमूव हो रही है आपकी सोनिया, सही खेल गया बैन, बहुत बुरा हाल हो रहा है सोनिया यूजर्स का। बात करेंगे इस बारे में अच्छे से, आज की वीडियो पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो में भर करके आपको अपडेट्स मिलेंगे, भर करके इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी वीडियो आपके काम आने वाली है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? देखो भाई यहां पे होने वाला है हमारा ब्राजील का पेज, और ब्राजील के पेज पे अनाउंसमेंट आ चुकी है जहां पे इस अनाउंसमेंट में साफ लिखा है ब्राजील वालों ने कि भैया काफी सारे चेंजेस वो लोग करने वाले हैं हमारी सोनिया, डिमिट्री और ओरायन के अंदर। अब देखो जब हमारा पैच नोट आया था तभी इस पैच नोट को हमने पढ़ करके बात करती भाई इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में, जहां पे इस पैच अपडेट के अंदर गरीना फ्रीफायर ने ऑलरेडी सोनिया का जो 150 एचपी था उसको 100 एचपी पर कर दिया था, बट अब सोनिया की और बुरी दस पड़ चुकी है क्योंकि अब ये जो 100 है उसको 50 में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब 50 एचपी मिलेगी, क्या बात है। मतलब ये चीज मुझे बहुत खतरनाक लग रही है, मतलब सोनिया यूजर्स की भाई बैंड बजने वाली है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे थे ना कि भाई अपन तो भगवान है, अब भगवान नहीं रहेगा भाई, 50 एचपी में क्या कर लोगे, कुछ गोलियों में शूट देंगे बंदे। और साथ ही साथ एक और चीज करिए भाई, देखो यहाँ पे जो बंदे मतलब सोनिया यूज करते थे 0.5 सेकंड के लिए थोड़ा फ्रीज हो जाते थे ना, तो अब वो 0.4 सेकंड तक होंगे, इतना बड़ा चेंज नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, सोनिया वालों की बैंड बच चुकी है, गरीना फ्री फायर जिंदाबाद, ठीक है। अब दूसरी साइड अगर हम बात करेंगे देखो डिमिट्री की भी बैंड बचाई है। अब देखो इस पैच अपडेट में गरीना फ्री फायर ने डिमिट्री को थोड़ा सा नर्फ कर दिया था, मतलब थोड़ा सा हमारा कहीं ना कहीं नर्फ कर दिया था, जहां पे 60 से 90 सेकंड के इसका कूल डाउन टाइम कर दिया था, बट अब गरीना फ्री फायर यहां भी नहीं रुकने वाली है। गरीना फ्री फायर कह रही है देखो भाई जो इसको 12 सेकंड तक का हमने टाइम दे रखा ना इसको आधा करो, भाई इसका 50% रिड्यूस करो, उसको 6 सेकंड कर दिया। और आपको पता है कि डिमिट्री के अंदर हर सेकंड 10 एचपी मिलता है, जिससे 12 सेकंड अगर कोई डिमिट्री की मतलब उस ऑरा के अंदर रहे या फिर उस फील्ड के अंदर रहे तो उसको 120 एचपी तो यू मिल जाता था, अब वो 60 एचपी मिलेगा। कुछ भी बहुत बड़ा चेंज है, डिमिट्री और सोनिया की तो बैंड ही बच गई। मतलब कह रहा हूँ भाई लाइक कर दो भाई, जल्दी से पहले इसके लिए लाइक कर दो भाई, ऐसी न्यूज आपके लिए लेके आता रहूंगा, क्योंकि भाई सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लेके ना नोटिफिकेशन ऑल पर डालना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे। अगला चेंज हमारे ओरायन के लिए, अब देखो आपको पता है कि ओरायन क्या है यहाँ पे, कि ओरायन का जो कंजम्पशन है जो यहाँ पे इसको चालू करने के लिए, इसके एबिलिटीज को चालू करने के लिए 150 क्रिम्सन एनर्जी या फिर 150 ईपी चाहिए था, वो अब 200 चाहिए। गरीना फ्री फायर जिंदाबाद। हेलो गाइस, यू नो व्हाट टाइम इट इज, क्या कर दिया भाई, इनका बैंड बजा दिया। अब आप लोग बताओ इन तीनों कैरेक्टर्स में सबसे बुरा हाल किसका हुआ है, मतलब तीनों की तो बैंड बज चुकी है, बट तीनों की कंपैरिजन में अब इसके रिगार्डिंग ना बहुत मिक्स ओपिनियन था ब्राजील में, काफी सारे लोग कह रहे हैं नहीं यार देखो गरीना फ्री फायर को थोड़ा सोचना चाहिए इन प्लेयर्स के बारे में जो इन तीनों कैरेक्टर्स को यूज करते हैं। दूसरी साइड बंदे कह रहे मजा आ गया भाई, स्वाद आ गया, मतलब यहाँ पे आई लाइक डिड यू एंड यू, सबके सब खुश है, बड़े बड़े क्रिएटर्स आके कह रहे हैं भाई मजा आ गया, स्वाद आ गया, अच्छा कर रहा है गरीना फ्री फायर ने। Relax. अब एक एक्सपेरिमेंट है, अगर बहुत ज्यादा पावर डाउन कर दिया, अगर गरीना को लगेगा भाई बहुत ही ज्यादा कर दिया है तो थोड़ा बढ़ा भी देंगे, थोड़ी पावर दे देंगे। इसके साथ साथ गाइस हमारी वेंडिंग मशीन के अंदर भी कुछ चेंजेस गरीना फ्री फायर ने करे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे अपग्रेड जो चिप होने वाली है वो यहाँ पे अब आपकी यहाँ पे मिलेगी, जैसे अगर हम बात करेंगे स्कार का जो प्राइस है वो 1600 से 1500 कर दिया है वेंडिंग मशीन के अंदर, अगर आप इसको अपग्रेड करते हो तो लेवल 1 यहाँ पे 300 का, लेवल 2 हमारे मतलब 500 से 600 कर दिया, लेवल 3 हमारा 1000 से 900, मतलब बैलेंस कर रहे हैं बीच में लेके आ रहे हैं सब चीजों को। और साथ ही साथ ये सारे चेंजेस हमारे जो आज आ चुका है हमारा सीएस का न्यू सीजन उसके लिए गरीना फ्री फायर ने करा है। इसके अलावा हमारा न्यू सीजन में गरीना फ्री फायर ने काफी कुछ ऑफर कर दिया, जैसे अगर हम बात करेंगे 1 तारीख आज के दिन से काफी कुछ गरीना फ्री फायर लेके आ गई होगी, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, इट मीन्स आज की सुबह आपको वीडियो मिल होगी, काफी सारे नए मोड, काफी सारे नए मिशन, काफी सारी नई एक्टिविटीज गरीना फ्री फायर ने अनाउंस कर दिया। बात करेंगे हमारे लैम्बोर्गिनी इवेंट के बारे में, अब देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, जहां पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी भाई, इसमें इंक्यूबेटर टोकन वहां पे मेंशन था और मैंने कहते भाई इंक्यूबेटर टोकन शायद हमें देखने को मिलेंगे, भाई वो थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे लग रहा था, तभी मैंने आपको बोलते थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। बट अगर हम बात करेंगे हमारे गेम के अंदर इस दिसंबर हमारा आने वाला है लैम्बोर्गिनी इवेंट, जो कि कोलैबोरेशन होने वाला है, ग्लोबल कोलैबोरेशन होने वाला है लैम्बोर्गिनी के साथ,
एंड अगर हम बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट आज तो नहीं, शायद कल से स्टार्ट होगा क्योंकि इसका पीक डे कल से बताया जा रहा है। देखते हैं एक दो तारीख कभी इस हफ्ते तक आ ही जाएगा, आपको पता चलेगा। अभी इसके बारे में ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, बट हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले उससे पहले देखो भाई, यहाँ पे क्राफ्टलैंड का ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा था, क्राफ्टलैंड क्रिएटर कॉन्टेस्ट, होपफुली आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। गरीना फ्री फायर ने इसमें काफी सारा कॉन्टेस्ट रन किया था, काफी सारे लोगों ने अपने मैप सबमिट करे, होपफुली आप लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा होगा। लास्ट वीडियो जिन लोगों ने देखी देख लेना चाहकर, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक अच्छी अवेयरनेस दी है, सही चीज बताई है गेम के बारे में। और अगर हम बात करेंगे, देखो एक चीज गरीना फ्री फायर ने अपनी साइड से डाली है यहाँ पर, जो मैं अब डिस्कस करना चाहूंगा वीडियो के लास्ट में, जो कि इसका वीडियो समाप्त करेंगे। गरीना फ्री फायर ने कहा है कि हम आपकी बात सुनते हैं, और गरीना फ्री फायर इस टाइम पे फीडबैक ले रही है, चाहे आप कुछ भी कहो, एक्शन में गरीना फ्री फायर फीडबैक ले रही है। जहां पर गरीना फ्री फायर ने बोला है कि भाई यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग टाइम था, जैसे आप फ्री फायर को टैप करते हो, अपनी गेम को टैप करते हो, और वहां से गेम खुलने तक का, लॉबी तक का जाने का टाइम गरीना फ्री फायर ने 2022 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक हाफ कर दिया। हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, बट डिवाइस देखो सैमसंग गैलेक्सी G2 बहुत लो एंड डिवाइस है, और उसके अंदर गरीना फ्री फायर कह रही है कि हमने काफी ज्यादा गेम ऑप्टिमाइजेशन करी है। यहाँ पे गरीना फ्री फायर ने साफ कहा है कि हम लोग गेम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ वर्क कर रहे हैं। दूसरी साइड अगर हम बात करेंगे, लोड इन टाइम हमारा रिड्यूस हो गया है, हमारे गेम स्टार्ट करने से लेकर के हमारे स्मॉल लॉबी तक जाने तक का PR और CS के अंदर देखो भाई बहुत ही रिड्यूस कर दिया, 31 सेकंड से कहा 6.2 सेकंड, अब 15 सेकंड से कहा 6 सेकंड, बहुत कम कर दिया गरीना फ्री फायर ने। एक्चुअल में इसके ऊपर ढंग से वर्क करा है। एंड इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, UI रिस्पॉन्स कहें या फिर अगर हम बात करें जितने भी लोडिंग प्रोसेस है, वो सारे के सारे आइकन्स का गरीना फ्री फायर ने काफी ऑप्टिमाइज करा है। एंड गेम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर गरीना फ्री फायर बात कर रही है। अब आप लोग बताओ गेम में एक्चुअल में ऑप्टिमाइजेशन हुई है नहीं हुई है? पिंग इश्यूज अभी भी बने हुए हैं, सो जो हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा 4 साल पहले भी मैंने ये बात बोली थी, कोई भी गेम ऐसा नहीं है जिसके अंदर पिंग इश्यूज कभी भी परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएंगे, बने रहेंगे। बट अभी भी पिंग इश्यूज हैं, कुछ ग्लीचेस हैं जो गेम के अंदर बने हुए हैं, काफी कुछ मतलब सही हो सकता है अभी भी, बट हाँ काफी सही डायरेक्शन में हमारी गेम आगे बढ़ रही है। अब आप लोग बताओ आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है, कुछ और रह रहा है तो एक बार मैं देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने काफी सारे नोट्स बना के रखे थे। अगर हम लोग बात करेंगे मिशंस को, मैंने आपको बता दिया लैम्बोर्गिनी इवेंट आने वाला है, जहां पे आप लोगों का इमोट आएगा जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, शायद मैंने बताया नहीं बताया, अब बता देता हूं। लैम्बोर्गिनी का इमोट आने वाला है हमारे रिंग इवेंट या फिर किसी पर्टिकुलर हमारे रॉयल इवेंट के अंदर। अगर हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ गरीना फ्री फायर मिशन देने वाला है, वेंडिंग मशीन अपडेट, हाँ तो ये अभी कुछ नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं गेम के रिगार्डिंग। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लेकिन बाकी नोटिफिकेशन ऑल पे। देखो ज्यादा डिमांड नहीं करता हूं मैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलता हूं, शेयर करना आप लोग भूल जाते हो, 8000 लाइक्स का है मैं तो वो भी कंप्लीट कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सी यू टिल देन, बाय बाय और टाटा।